गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग आपका देख रहे हैं हिस्ट्री। हमारा अतीत जो आपकी बुक है उसी में जो हमारा आपका चैप्टर है राज्य राजा और एक आपका गणराज्य, हम लोग उसके विषय में आपका पढ़ रहे थे। और बच्चों, हम लोगों ने उसी के अंतर्गत आपका बच्चों जो था जन के बाद आपका जनपद को पढ़ा था कि जनपद का क्या मीनिंग है, और जनपद को हमने अपना राजनीतिक जो आपका परिवेश था उस समय में जनपद की थ्योरी को हमने पढ़ा कि जनपद को देखा कि एक राजनीतिक आपका इकाई थी, ऐसी इकाई जो उस समय आपका जन से बड़ी होती थी वो आपका आपका जनपद था, और जनपद के बाद आपका महाजनपद आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने चैप्टर को बढ़ चलेंगे, पहले एक बार छोटा सा आपका रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आपका महाजनपद की तरफ आपका बढ़ेंगे और कौन कौन से ऐसे आपके गणराज्य थे हम लोग उनको भी देखेंगे। क्लियर है? ताकि हमको सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और मैं जानना चाहता हूँ, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है किसी प्रकार का, आपको चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई आपको रिवीजन करानी है, कोई चीज आपको पूछनी है इस आपका लेक्चर के अंतर्गत, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हम तक अपना प्रश्न बता सकते हैं, आप अपना डाउट जो है हम तक उससे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई हो, चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे अपना, तो हम लोग देख रहे थे आपका जनपद। जनपद का मतलब बच्चों, वैसे अगर आप वर्तमान में देखें तो डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग जनपद बोलते हैं, जिले को। लेकिन हम जनपद में क्या था, इस आपके जनपद में, इस जनपद के अंतर्गत आप अगर देखें तो जनपद में जो था राजा केवल जन जन का ना होकर आपका जनपद का राजा हो गया, यानी कि एक बड़ा क्षेत्र था। क्या था? एक आपका बड़ा क्षेत्र था। किससे बड़ा क्षेत्र था? ये जन से बड़ा क्षेत्र आपका जनपद था। और जनपद का हम लोग शाब्दिक अर्थ अगर वो आपका देखें, जन के बसने की जगह, जन माने लोग, जहां लोग बसते थे हम उसको आपका जनपद बोलते थे। मानचित्र में आप इसको बहुत स्पष्ट रूप से आप इसको समझ सकते हैं। जनपद में बहुत सारे ऐसे स्थानों की आपका खुदाई की गई है जहां पर हमको आपका जनपद मिले हैं, जैसे कि स्थान बताया था दिल्ली में आपका पुराना किला हमें बताया, और उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ का जो शहर है हस्तिनापुर वो हमने देखा, हमने जो गांव था एटा का ये हमने देखा, और हमको बहुत सारी चीजें जो थी वो हमको पता चली, और साथ में किस प्रकार की आपकी फसल हो रही थी उन सब चीजों को हमने इन लेक्चर के माध्यम से इसको पढ़ा और जाना। कुछ हमको ऐसे आपके मृत भांड मिले थे, कुछ आपके बर्तन मिले थे, उनको भी हम लोगों ने आपका देख लिया था इसके अंतर्गत। अब ठीक है, थोड़ा आज हम बात करेंगे आपके महाजनपद की। किसकी बात करेंगे बच्चों? महाजनपद की। देखिए महाजनपद, महाजनपद को पढ़िए। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कह रहे कि अगर आप 2500 साल पहले को देखेंगे तो कुछ ऐसे जनपद थे जो क्या हो गए, आपके अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। क्या बोलने लगे इनको? आपका हम इनको महाजनपद कहने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानी में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ियां ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। अब देखिए, जो कुछ आपके महाजनपद थे, अब सबसे पहले आपको समझना है जिस प्रकार जन से बड़ी इकाई आपकी जनपद थी उस प्रकार जनपद से बड़ी इकाई महाजनपद है, ठीक। और महाजनपद की जो राजधानी होती थी, कैपिटल होती, देखिए सबसे पहले अगर किसी राजा को, किसी राजा का कोई राज्य अगर उसको हड़पना है या उसको हराना है तो सबसे पहले राजा उसकी राजधानी पर ही आपका अटैक किया करते थे, हमला किया करते थे। अगर वो राजधानी को जीत लेंगे, राजधानी में कौन बैठता था आपका? राजा। अगर राजधानी को जीत लिया तो ये मान लीजिए कि उस सारे राज्य पर उसका कब्जा हो जाता है। इसलिए कि जो आपके राजा होते थे वो राजधानी की सुरक्षा के लिए वो आपका किलेबंदी कराते थे, लकड़ियों से चारों ओर उसको घेरा बनवाते थे,
ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाते थे। इसलिए आप देखेंगे जितने आपको किले देखने के लिए मिलते हैं या जो भी राजधानी देखने को मिलती है, वहां हाई सिक्योरिटी आपके अलर्ट होती है, चाहे वहां पर आपकी सेना लगी हो, चाहे ईंट दीवार आपकी इस तरह की आपकी चार दीवारी हो, ताकि वो लोग आपको सिक्योरिटी प्रदान कर सके कि कैपिटल को, ये उनकी थ्योरी होती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण कराया था। अब कह रहे कि जो आपके किले बने थे, अगर हम उसका रीजन देखें कि ये किले क्यों बन रहे थे, तो ये बता रहे हैं कि जो अन्य राजा आपका किसी पर आक्रमण करते थे, उस डर के कारण, और डर में क्या थी, आपकी सुरक्षा सिक्योरिटी के कारण ही क्या कर रहे थे, वो आपका किले का निर्माण कर रहे थे, वो आपका किला बना रहे थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची और आपका प्रतिभाशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अब देखिए, कुछ लोग जो आपकी चार दीवारी बनवा रहे हैं, जो आप किले की चारों तरफ जो आपकी बाउंड्री बनवा रहे हैं, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपनी सुरक्षा से, लेकिन कुछ लोग जो आपका किले की चारों तरफ जो आपका किलाबंदी करते थे, उसका कारण था अपने शक्तिशाली को दिखाना, अपने प्रभुत्व को दिखाना, इन सबको दिखाने के लिए वैसा करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, और यही कारण है कि लोग जो आपके किले के अंदर रहते थे, उन पर उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना आसान था। क्यों? क्योंकि जब आपका किला बंद होगा, तो बंद के अंदर आप कुछ भी बहुत आसानी तरीके से आप उस पर नजर रख सकते हैं, आप उसको सिक्योरिटी जो आपका पर्पज है, बहुत आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। आप चाहते हैं कि आपको ऐसी दीवार बनानी है, उसके लिए आपको व्यापक योजना चाहिए और लाखों की संख्या में ईंट तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। होता क्या था कि इनके लिए ईंट और पत्थर जो थे, वो लाखों की वो आपके नंबर में ये आपको रखने पड़ते थे। ठीक, हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किए होंगे। और कह रहे कि जब ये चीज आप देखेंगे, इतना बड़ा जो आपका किला बनता था और किले के जो चारों तरफ आपकी दीवारें बनती थी, उसके लिए अगर हम लोग देखें, तो हजारों स्त्री पुरुषों ने क्या और बच्चों ने क्या किया होगा, बच्चों अथक आपके श्रम किया होगा, पर इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। और कह रहे हैं कि इसी के लिए जो संसाधन है, उनकी आवश्यकता भी ने पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब कह रहे जो आपके राजा है वो क्या करने लगे थे, जो उनकी सेना थी उस सेना को वो आपका रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। देखिए, जो आपके सिपाही थे, अब उनको पूरे साल ही आपका वेतन देकर रखते थे। सबसे पहले ध्यान रखना है, जो आपके राजा थे वो क्या करते थे, मतलब उनके पास कुछ ही सेना होती थी जिनको वो आपकी परमानेंट रूप से हायर करते थे। बाकी वो क्या बोलते थे कि आप अपने घर में काम करो, आप खेती करो, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब आपको लड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं था कि आपको परमानेंट वहीं रहना है, लेकिन कुछ राजाओं ने अपनी सेना को परमानेंट रखा, उनके खाने का इंतजाम कराया, उनको नगद वेतन दिए, अगर नगद वेतन नहीं दिए तो उनको परिवार को भूमि दे दी बदले में कि आप उस पर खेती करिए और रही आपको टैक्स मुक्त रहेगा। तो इस प्रकार से जो था, जो आपके राजा थे वो सेना रख पा रहे थे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, यानी कि प्रस 84 चित्र पर दिखाए के रूप में होता था। और कह रहे हैं कि जो आपके कुछ सिपाही थे, जो उनका भुगतान होता था, वो आपके सिक्के के रूप में भी होता था, कि उनको पैसे देते थे मुद्रा के रूप में। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे कि किस प्रकार के सिक्के चलते थे, क्या उनका चलन है, आप इन सब चीजों को अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि जो आपके किले बनते थे, उस किले बनाने की मेन पर्पस क्या था, एक सिक्योरिटी था, दूसरा अपनी वैभवशालीता को दिखाना, और तीसरा कि वहां पर शासन बहुत आसानी से हो, नियंत्रण इस दिशा में। अब देखिए, महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। अब सिंपल है कि ऋग्वेद के राजा कैसे बनते थे और जो महाजनपद के राजा है, इनमें दो अंतर होने चाहिए, वो अंतर आप मुझे बताओ। जब आप पढ़ोगे तो आपको अंतर क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब उससे पहले हम क्या चलते हैं, थोड़ा सा मुझे कुछ आपको मानचित्र दिखाना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखिए, ये दिखाया गया है हमारे मानचित्र में,
देखिएगा, मानचित्र है महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर, ठीक है। अब देखिए, आप देख रहे हैं, हस्तिनापुर को देखिए सबसे पहले, वैशाली को देखिए, मगध को देखिए, कौशाम्बी को देखिए, अवंती को देखिए, उज्जैन को देखिए। देख लिया बच्चों इतना? ठीक, आप फिलहाल तो इनको देखिए। और इसी में दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ये रही आपकी सिंधु नदी, और सिंधु नदी की सहायक नदी देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। और ये रहा सबसे प्रसिद्ध विद्यालय, कौन सा? तक्षशिला। तक्षशिला में कौन, तक्षशिला के अध्यापक कौन थे बच्चों? ध्यान दीजिए, चाणक्य। वो तक्षशिला से ही पढ़े थे और वहां के अध्यापक भी थे। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के कांधार जो प्रांत है उसमें है। देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। आगे देखते हैं, और बहुत सारी चीजों को हम लोगों को इसमें देखना है। देखिए, अब एक आपने क्षेत्र सुना होगा कुरु राजवंश। महाभारत के टाइम में कुरु जो लोग थे, जो कुरु आपका कबीला था, कुरु जनपद बन गया, फिर महाजनपद हो गया। कुरु जनपद की बात होती है महाभारत के टाइम पीरियड में, वो आपको देखना है। बज्जी आपको पढ़ना है अभी, ठीक है। अंग देखिए, अंग देश का राजा कौन था बच्चों महाभारत में? अंग देश का राजा कर्ण। और अंग कहाँ पड़ता है वर्तमान का? जो बिहार राज्य है, क्लियर है, जो आपका पूर्वी बिहार है। और मगध, मगध का कौन था शासक? अशोक, तो ध्यान होगा आपको, ठीक। और कौशाम्बी का आपको पता ही है। हस्तिनापुर देखे हैं, पांचाल देखिए, ठीक। आप कौशल राज्य देखिए, ये रही आपकी गंगा, ये आपकी चंबा नदी, ये आपकी यमुना, और ये रही आपकी नर्मदा, तापी, गोदावरी, आपकी कृष्णा। और नीचे देखिए, ये आपकी तुंगभद्रा, कावेरी नदी, और यहाँ इसके बगल में देखिएगा आपका बच्चों महानदी, और ये आपका गंगा नदी, यानी कि जहाँ बाबा गंगा सागर है। और यही देखिए, ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्रा। इस मैप को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोकेशन नहीं पहचानोगे आपको नहीं पता चलेगा इसमें कुछ जनपद है कुछ महाजनपद है। हस्तिनापुर क्या है आपको पता होना चाहिए, वैशाली आपका महाजनपद है, कौशाम्बी महाजनपद जनपद है, मगध महाजनपद है, बज्जी महाजनपद है, अंग महाजनपद है, उज्जैन, अवंती, ये सब महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। तो इतना आप लोगों ने देख लिया होगा पूरे मैप को अच्छे से, मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों। देखिए, देखा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखिए, ये हमारा भारत का मैप भी है, थोड़ा सा हम लोग इसका जो है आपका भौतिक रूप समझते हैं। ये वे ऑफ आपकी बंगाल है, ये अरब सागर है, ये आपका लक्षद्वीप समूह है, और ये देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये जो है बच्चों, ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ये आपका श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका, ठीक। ये आपका रामेश्वरम द्वीप वाला, इतना आपको ध्यान रहेगा। यहां तक किसी प्रकार को डाउट, कोई पापा कंफ्यूजन, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो, यहां तक चलिए वापस चलते हैं चैप्टर की तरफ। अब देखिए, सबसे पहले इसको पढ़िए, आपके सामने है इमेज को देखिएगा। ये इमेज दिखा रही है कौशाम्बी किले की दीवार, है मानचित्र या चित्र जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से मिली ईंटों की दीवार के अवशेष का है। कह रहा है कि जो आपका कौशाम्बी का जो आपका किला बना था, उस किले की दीवार की जो ये वो आपकी फोटो है, और हमको मिली है उत्तर प्रदेश, अब इलाहाबाद आपका प्रयागराज हो गया है, हॉकी से हमको भी ये मिला है। और कह रहे हैं कि इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये हमको दीवाल की पिक्चर दिखाई गई है कि जो आपके किले बनते थे
वो कितने अब आपका विशाल तय होते थे, ये हमको उसका एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा है। आपको समझना है बच्चों कि आपका किस तरह बाप किलो का निर्माण उस समय होता था, ये आपको थोड़ा सा देखना है। देखिए ये नीचे से दीवार आपको दिखाई देगी और ऊपर की तरफ आपको बढ़ती चली जा रही है, इसको देखिए। तो अब जो है फिलहाल बच्चों, हमने अभी तक इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा है आपका बच्चों, हमने पढ़ लिया है आपका जन के बारे में पढ़ा, जनपद के बारे में पढ़ा, महाजनपद के विषय में पढ़ा, हमने मानचित्र में देख लिया जनपद महाजनपद और नगर के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया, एक मृत भांड की जो हमारे आपके बर्तन किस प्रकार के मिले उनको हमने देख लिया, फसल को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कर की। कर मतलब टैक्स। देखिए महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, अभी पढ़े हैं, और बड़ी सेना रखते थे। बिल्कुल, क्या करते थे, विशाल आपके किले भी बनवा रहे और बड़ी सेना भी रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचार प्रचार प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। क्लियर है, प्रचुर जो आपके संसाधन है, प्रचुर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उनको आपके रिसोर्सेस थे, वो उनकी जरूरत थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों का भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलते थे। अब देखिए पहले क्या था, राजाओं की जो आपके इनकम का स्रोत क्या था, कि पहले अपना इतना जो शासन चलता था वो लोग ना तो पहले विशाल किले बनवा रहे थे, ना इतनी बड़ा सेना रख रहे थे, यानी कि खर्चा उनका कम था अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर देखें। तो उस समय जो आपको गिफ्ट मिलते थे, जो उनको उपहार मिलते थे लोगों द्वारा, अन्य राजाओं द्वारा, उनसे उनका काम बहुत आसानी से आपका चल जाया करता था। लेकिन जब वो सेना रखने लगे, बड़े किले बनाने लगे, तो उनको जो उपहार मिल रहे थे, जो आप गिफ्ट मिल रहे थे, वो उस पर डिपेंड नहीं हुए। उनको चाहिए था एक नियमित रूप से कि आपका पैसा आए, आपका कर आए, इसलिए उन्होंने आपका क्या किया, कर वसूलने लगे, टैक्स वसूलने लगे। क्या करने लगे, जो आपका टैक्स है उस टैक्स को वसूलने लगे। देखिए वैदिक काल में आप पढ़ेंगे, कर को वैदिक काल में बाप का बलि कहा जाता था। बलि, ये उपहार, जो बलि का मतलब है जो राजा को लोग अपनी इच्छा से जो कर दिया करते थे उसको बलि बोलते थे। ठीक, अब समझिए बलि का मतलब किसी की भेंट चढ़ाना नहीं होता। समझिए, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। कह रहे कि जो आपकी फसल होती थी उन फसलों पर क्या लगाते थे, आपके टैक्स लगाते थे, वो सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग क्या थे आपके बच्चों, कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा के रूप में निर्धारित किया जाता था। होता क्या था, 1/6 हिस्सा जो था वो आपका कर के रूप में उसको क्या करते थे, आपका निर्धारित करते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, आपका भाग कहते थे। कितना था, उपज का 1/6। ध्यान रहेगा, मान लीजिए आपका 6 kg आपकी फसल हुई, इस 6 kg का 1/6 जाएगा। आप इसको गुणा कर लीजिए, 6 6 कट जाएगा, यानी कि 1 किलो चला जाएगा 6 पे। अगर आपके पास 6 क्विंटल गेहूं हुए हैं, तो उसमें 1 क्विंटल जो है आपका कर के रूप में 5 आपको बच जाएगा। इस प्रकार से ये कर का निर्धारण होता था 1/6 के रूप में। अब समझिए कारगिरों के ऊपर, कारगिर मतलब जो भी आपके काम करने वाले थे, जो कुछ बनाते थे, उनके ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। अब जो उन पर टैक्स लगाया काम करने वालों पर, वो टैक्स कैसे मांस उगाई करते थे, उनसे श्रम के रूप में चुकाते थे कि आप क्या करें कि आपको टैक्स देना है, उस टैक्स के लिए आप कुछ काम कर आइए, आपका राज दरबार में आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई बुनकर है, लोहार है, सुनार है, वो राजाओं के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। कितना करना पड़ता था, महीने में एक दिन आपको काम करना पड़ता था बस राजा के लिए। अगर आपने महीने में एक दिन काम कर दिया तो आपको महीने के अंदर और कोई टैक्स नहीं देना, खाली एक दिन काम कर जाइए। चाहे तो आप उसके लिए हथियार बना दीजिए, कोई चीज बुन के आइए, आप सुनार है कोई आभूषण बना दीजिए, इस प्रकार की चीजें आपकी होती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बात रही जो आपके पशुपालक थे, उन पशुपालकों से किस प्रकार टैक्स वसूला जाता था। देखिये जो कृषक है उनसे पढ़ लिया,
कि उनका फसल का 1/6 ले लिया। जो काम करने वाले लोग थे, जो मजदूर लोग थे, कारीगर लोग थे, उन कारीगरों से कुछ काम करवा के एक दिन महीने में आपका टैक्स लिया जा रहा था। अब बात कर रहे हैं जो आपके पशुपालक थे, क्लियर है, जो आपका पशु पालते थे उनसे टैक्स किस प्रकार लेते थे। उसके लिए क्या था, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। आपके पास कितने जानवर हैं, उनका जो उत्पाद है, उत्पाद ही आपका टैक्स हुआ करता था। मान लीजिए आप कुछ राज दरबार में दूध, घी, मक्खन नहीं बनता, ये सब नहीं था, तो आप कुछ एक जो था अपना जानवर दिया है, तो उससे क्या होता था, वो टैक्स के रूप में चुक जाया करता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अब देखिए, जो आपके व्यापारी थे उनको टैक्स जो आपका देना, किस माध्यम में देना पड़ता था, जो सामान ले रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पर उनको टैक्स चुकाना था। आखेटक को, आखेटक मतलब जो आपके शिकारी होते थे, संग्रहक, जो भोजन को आपके जंगलों से इकट्ठा करते थे, अब उन्हें क्या करना पड़ता था कि जंगल से जो उनको वस्तु प्राप्त हुई है, वो वस्तुएं क्या करनी पड़ती थी, आपके टैक्स के रूप में राजा को आपको कुछ वस्तु आपका देनी पड़ती थी। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखिए, इसी में थोड़ा सा ये आपको समझना है कि उस समय महाजनपदों के टाइम में टैक्स किस प्रकार से वसूले जा रहे थे, यानी कृषक के लिए भी आसान था, जो कामगार थे, कारीगर थे, भाई उनके लिए भी आसान था, जो आपके पशुपालक थे उनके लिए भी आसान था, जो व्यापारी थे, संग्राहक थे, सबके लिए एक बहुत आसानी से टैक्स वसूलने की जो आपका प्रणाली थी वो आपका दी गई थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या आपका देते होंगे, बात चल रहे हैं कि जो आखेटक हैं, जो आपके शिकारी हैं, और जो लोग आपका जंगलों से खाद्य संग्रह करते हैं, वो क्या देते होंगे, बच्चों मुझे सोच के बताइए। आप देखिए, अगर कोई आपका शिकारी है तो आपका मछली पकड़ कर दिया जाता होगा, क्लियर है, उसने कुछ आपका शिकार किया वो दे दिया। खाद्य संग्राहक में जो आपके कंदमूल फल इकट्ठे करे, आपके राजा को, आपको वो दे दिए कि प्रभु हम क्या करके लाए हैं, आम चुक कर लाए, थोड़े से आम आपको दे दिए। तो इस प्रकार से राजाओं को टैक्स दिया जाता था। अब समझिए थोड़ा सा इसमें आपका कृषि में परिवर्तन, अब हमको क्या देखना है कि एग्रीकल्चर में आपका हमको परिवर्तन देखना है कि किस प्रकार से आपके कृषि में जो था वो आपके परिवर्तन हो रहे थे, ये हमको देखना है। लेकिन इन सब चीजों को देखने से पहले मुझे बताइए बच्चों, जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई ऐसा जो आपको डाउट है, क्लियर है, मैं मानता हूं कि अगर कोई आपका डाउट है तो आप हमसे पूछिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने क्या सीखा कि महाजनपद क्या थे, महाजनपदों के बाद जो आपके टैक्स में कुछ जो आपका परिवर्तन था वो किस प्रकार था, राजाओं को वो अपनी सेना रखने के लिए और अपने बहुत विशाल जो आपका महल, आपका किले बनवा रहे थे, उसके लिए उनको टैक्स की जरूरत होती थी, तो वो कर आपका किस प्रकार से ले रहे थे, उस सारे माध्यम को हमने पढ़ा कि आपके शख्स से किस प्रकार लेते थे, जो आपका पशुपालक है उससे कैसे ले रहे हैं, व्यापारी से कैसे ले रहे हैं, जो काम करने वाले लोग उनसे कैसे ले रहे हैं, कारीगरों से कैसे लिया जा रहा है। तो ये पूरे टैक्सेशन का माध्यम जो था हमने महाजनपदों में, वो हमने उसको पढ़ा और जाना, उस पूरे सिस्टम को हमने देखा। अब जो एग्रीकल्चर में कुछ वो आपका परिवर्तन है, हम उसको कल देखेंगे, क्लियर है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और लेक्चर को रिविजन करते रहिए।